हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आप सब जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन हमारी एक स्पेशलिटी है और हम काफ़ी समय से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं और मैं आपको दिखाता रहता हूं कि हेयर ट्रांसप्लांट में हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ नया करने का कोशिश करते हैं, कुछ नई टेक्निक लाने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने रिजल्ट को और अच्छा कैसे कर सकें हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। आज के वीडियो में कुछ चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ जो अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमारे रिजल्ट्स और अच्छे हों। ये बिल्कुल लाइव हैं रिजल्ट्स और इनके रिजल्ट्स भी हम आपको बाद में दिखाएंगे विद टाइम। अभी इनके रिजल्ट्स भी पूरे नहीं आए हैं तो हम आपके साथ शेयर करेंगे जैसे रिजल्ट्स आएंगे। तो पहली चीज़ जो हम करते हैं आजकल, जो हम नीडल्स का इस्तेमाल ना करके हम माइक्रो ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड, जो हम फ्रंट लाइन बना रहे हैं हम बहुत केयरफुल हैं कि उसको जिगजैग बनाया जाए, स्ट्रेट ना बनाया जाए। फ्रंट में जो डेंसिटी दी जा रही है वो बहुत अल्ट्रा हाई डेंसिटी हो, बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो, घने बाल हों, इसका ध्यान देते हैं। डायरेक्शन एंड एंगल्स का हम ध्यान देते हैं। आजकल टेम्पोरल ट्राइंगल्स हम ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स के बनाते हैं और पैराइटल हब्स जिसको बोलते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो पीछे का क्राउन एरिया है, पीछे का एरिया है, उधर जो हम डायरेक्शंस बनाते हैं, होल्स बनाते हैं, वो बालों को देखते हुए एक वर्तूल आकार में, सर्कुलर फॉर्म में उन होल्स को बनाया जाता है। इसके साथ जो नई चीज़ हमने आज आपको दिखाने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। दैट इज़ एक टीम हमारी ग्राफ्ट निकाल रही है, दूसरी टीम ग्राफ्ट इम्प्लांट कर रही है। आपको बता दूं डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन आसान नहीं है, इसमें बहुत टेक्निकल स्किल्स चाहिए, बहुत हाईली एडवांस टीम चाहिए इसको करने के लिए और इसमें हमारा हैंड भी बहुत स्लो चलता है, स्पीड कम हो जाती है। सो डेफिनेटली दिट इज़ नॉट अ समथिंग जो रूटीनली करते हैं, इसके लिए बहुत स्पेशलाइज टीम और स्पेशलाइज्ड एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इससे हमारे रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो जाते हैं अगर हम ग्राफ्ट्स को जल्दी से शरीर के अंदर डाल देते हैं। एक और चीज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ अल्ट्रा हाई डेंसिटी। आप जानते हैं नॉर्मली फ्रंट में बालों को 40 ग्राफ्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर दिए जाते हैं, लेकिन अब जो पद्धति हम इस्तेमाल कर रहे हैं इससे हम 60 से 70 ग्राफ्ट भी फ्रंट में डाल सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर आपके पास उतने ग्राफ्ट हैं और आप चाहते हैं कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी चाहिए तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं, इन सबको आप देखिए, इन सब चीज़ों को आपको दिखाते हैं। हेलो मित्रों, आज मैं आपको कुछ नई टेक्निक्स दिखाने जा रहा हूँ जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। ये एक पेशेंट है, आप देख सकते हैं इनका फ्रंट और साइड्स, आगे से बाल इनके काफ़ी कम हैं। हम एक फ्रंट लाइन डिज़ाइन करने वाले हैं। तो किस तरह से हम फ्रंट लाइन डिज़ाइन करते हैं ताकि बहुत अच्छे और नेचुरल और रिजल्ट्स आएँ। और ये डोनर एरिया आप देख रहे हैं, एक अच्छा डोनर एरिया है इनका पीछे। ये हमने मार्किंग की है और हमने लगभग 3,500 ग्राफ्ट फ्रंट में प्लान किया है लगाने का, 150 ग्राफ्ट दोनों टेम्पोरल ट्राइंगल्स में लगाने का प्लान किया है, आप देख सकते हैं। और ये हमारी पूरी प्लानिंग है, हम किस तरह से इनके बाल लगाएंगे ताकि एक अच्छी डेंसिटी हम दे सकें। करीब करीब 5,000 ग्राफ्ट हम इनमें लगाने वाले हैं। 3,500 ग्राफ्ट आप देखिए हमने फ्रंट में मार्क किए हैं और 150 ग्राफ्ट और 150 ग्राफ्ट यानी 150 ग्राफ्ट हमने साइड में टेम्पोरल में किए हैं। पैराइटल हब में हमने 500 ग्राफ्ट किए हैं प्लान। इनका डायरेक्शन आप देख रहे हैं बहुत डिफरेंट है, जहाँ पे हमने दोनों साइड की तरफ इनका डायरेक्शन किया बालों का। और क्राउन एरिया में हमने 1500 से 2000 ग्राफ्ट प्लान किए हैं। कुल मिला के करीब करीब 5000 ग्राफ्ट हम पूरा इनमें प्लान कर रहे हैं। बैक में आप एक चीज़ देखें, जो हम होल्स कर रहे हैं वो चारों डायरेक्शन में होंगे, फ्रंट साइड बैक, ताकि एक अच्छा डेंस लुक आए बैक में हमारा। तो हमने ये पूरा प्लानिंग किया कि इन पेशेंट में हम कैसे अपने बाल लगाने वाले हैं इनके। ये एनेस्थीसिया दे रहे हैं, आप देखें एनेस्थीसिया भी हम पहले एक इंसुलिन सिरिंज से दे रहे हैं जिससे कि पेन कम से कम हो। एक वाइब्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको वाइब्रेटरी एनेस्थीसिया बोला जाता है। इन सब से जो फायदा होता है वो ये है कि दर्द बहुत कम हो या ना के बराबर होता है। तो वी आर यूजिंग इंसुलिन सिरिंज, वी आर यूजिंग अ वाइब्रेटर एंड सबसे बड़ा फायदा इसमें पेशेंट को दर्द बिल्कुल नहीं होता, बहुत आराम से सर्जरी करा लेते हैं और दे आर वेरी कंफर्टेबल इन द होल प्रोसीजर। ये पूरा रिंग ब्लॉक दिया जा रहा है चारों तरफ और वाइब्रेटरी एनेस्थीसिया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
हम इस पूरे एरिया में 5000 ग्राफ्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, आप देख रहे हैं। हम डायरेक्शन ऑफ होल्स, कैसे एनेस्थीसिया देना, हर चीज़ को बहुत प्लान्ड वे में और समझते हुए किया जा रहा है ताकि हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप देखिए, जो हम होल्स कर रहे हैं इसमें माइक्रो ब्लेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जो फ्रंट लाइन हम डिज़ाइन कर रहे हैं स्ट्रेट ना होके एक वेवी है, आगे पीछे जिगजैग है, ये आप देख सकते हैं। शायद बाद में आपको हम ये मिथिलिन ब्लू के स्टेनिंग के बाद भी दिखाएंगे। तो फ्रंट लाइन जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वी आर वेरी केयरफुल कि हमारी लाइन एक स्ट्रेट लाइन में ना हो के फ्रंट लाइन जिगजैग तरीके में हो हमारी। आप देखिए, ये हमने होल्स कर दिए हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जिगजैग पैटर्न व्हाट्सएप से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं हम आपको। और आप ये देखिए कि जो जिगजैग है और जो हमारी डेंसिटी है आगे, वो बहुत ही अच्छी है, डेंस पैकिंग है होल्स की फ्रंट से पीछे की तरफ। इनमें मिथिलिन ब्लू हमने लगा दिया था, आप कलर देख पा रहे हैं, एंड द वेरी डेंस पैकिंग जो हमने की है। 2500 के करीब ये हमारे होल्स हैं जो हमने फ्रंट में कर दिए हैं। और अब हम साइड में देखिए, टेम्पोरल ट्राइंगल्स इनको बोलते हैं, ये हमने बनाए हैं और इनको भी करीब 150 से 200 होल हमने यहाँ किए हैं दोनों तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम टेम्पोरल ट्राइंगल्स को भी आजकल हम ज़रूर बनाते हैं, इससे हमारा लुक में बहुत फ़र्क आता है, पेशेंट काफ़ी यंग दिखते हैं, उनका रिजल्ट बहुत बेटर दिखते हैं। दिस इज़ समथिंग जो हम पहले नहीं किया करते थे, लेकिन अब लास्ट फ्यू ईयर से हम टेम्पोरल ट्राइंगल ज़रूर बनाते हैं। ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पैराइटल हब्स बोलते हैं इनको। इनका जो बालों का और होल्स का डायरेक्शन है, ये नीचे की तरफ, कान की तरफ या थोड़ा आगे की तरफ हमने किया है, टेम्पल्स की तरफ किया दोनों साइड में। और यहाँ पे हमने 500 बाल होल्स किए हैं, 1000 होल्स। और ये क्राउन एरिया में आप होल्स देख रहे हैं, हमने इसको वर्ल पैटर्न में यानी घुमावदार में दिए हैं, कुछ होल्स आगे की तरफ, कुछ साइड की तरफ, कुछ पीछे की तरफ, ताकि पूरा एक वर्ल बन पाए, पूरा सर्कुलर पैटर्न में होल्स हो पाए। ये डायरेक्शंस मैं दिखा रहा हूँ, फ्रंट के होल्स, पैराइटल होल्स, और ये जो हमारे बैक के होल्स हैं आप देखिए इनका डायरेक्शन बहुत डिफरेंट है। तो ये देखिए, होल्स के डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट हैं डिपेंडिंग ऑन विच एरिया आई एम वर्किंग अपॉन। ये देखिए, एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं पीछे से, एंड आई एम नॉट यूजिंग मोर देन 0.8, समटाइम 0.7 0.8। इसको माइक्रोस्कैन हेयर ग्राफ्टिंग बोलते हैं, क्योंकि हम पंच बहुत छोटा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है बालों का। इसको मैं बालों को निकाल रहे, ग्राफ्ट्स को निकाल रहे हैं, यू कैन सी दैट FUE टेक्नोलॉजी। तो हम कर रहे हैं और एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं जो हमारे ग्राफ निकल रहे हैं, डबल और ट्रिपल निकल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें आपको और दिखाना चाहूँगा, जो अब हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम DHI यानी कि डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने केसेस में। आप देखिए, एक टीम हमारी ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट कर रही है और दूसरे टीम मेंबर साइमल्टेनियसली उसी समय बालों को इम्प्लांट कर रहे हैं, ताकि जितनी जल्दी हो सके ग्राफ्ट्स को अंदर दोबारा से इम्प्लांट किया जाए। इस टेक्निक को DHI बोला जाता है, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। जितना फास्ट ग्राफ्ट को हम बॉडी में, शरीर में डाल सकते हैं, उतने अच्छे हमारे रिजल्ट आते हैं, उतना अच्छा ग्राफ्ट सर्वाइवल होता है, उतनी जल्दी रिजल्ट आते हैं, ये काफ़ी स्टडीज शो कर चुकी हैं। तो इसको माइंड में रखते हुए अभी हमारी एक टीम ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन कर रही है और दूसरी टीम ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन कर रही है। ये टेक्निकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इससे पूरा प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन आज एक अच्छे रिजल्ट देने के लिए हमने ये पद्धति को अब इस्तेमाल करना शुरू किया, एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स, वेरी फास्ट रिजल्ट्स इन अवर पेशेंट्स, बिकॉज हम बहुत केयरफुल रहते हैं कैसे हम अपने रिजल्ट्स को और बेटर कर सकें, क्या नई टेक्नोलॉजी ला सकें, क्या ऐसा करें ताकि हमारे क्लाइंट्स को बेस्ट एंड बेटर रिजल्ट्स मिल सकें। सो यू कैन सी, वन पर्सन इज एक्सट्रैक्टिंग द हेयर एंड अदर पर्सन इज इम्प्लांटिंग द हेयर। ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एक साथ चल रही हैं हमारी। वन टीम इज एक्सट्रैक्टिंग, अदर टीम इज इम्प्लांटिंग। इन चीजों का आजकल हम बहुत ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे से देते हैं, और हमारे जो हम होल्स करते हैं
तो आप ये देख पा रहे हैं इधर एक्सट्रैक्शन चल रहा है, उधर इम्प्लांटेशन चल रहा है। एंड अनदर थिंग इज जब हम अब इम्प्लांट कर रहे हैं तो हम बहुत पास पास ग्राफ्ट्स को डालते हैं एंड फ्रंट में हम एक ही होल में दो दो तीन तीन ग्राफ्ट्स डालते हैं, जिससे हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी ऑफ ग्राफ्टिंग फ्रंट में भी ला पाते हैं। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, ध्यान रखते हुए, वॉट वी आर ट्राइंग टू गेट आर द बेस्ट रिजल्ट इन द फ्रंट साइड बैक, ताकि हमारा जो रिजल्ट आए वो बहुत ही नेचुरल हो, बहुत ही अच्छा हो पेशेंट्स का एंड दे रियली लुक वेरी नेचुरल हेयर। तो 5000 ग्राफ्ट हम इसके अंदर टारगेट कर रहे हैं पूरे सर में लगाने के लिए। तो ये देख सकते हैं 5000 ग्राफ्ट हमने लगा दिए आगे साइड में पीछे। इसमें हमने माइक्रोग्राफ्टिंग इस्तेमाल की है, हाई डेंसिटी हेयर लगाए हैं और डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन किया है। इनका रिजल्ट का अभी हम इंतजार कर रहे हैं, 4 to 5 months में इसके रिजल्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।